फ्रेंड्स, मैं जूही स्वागत करती हूँ आपका अपने प्रोग्राम यूथ जंक्शन में। दोस्तों, आजकल के पेरेंट्स का अपने बच्चों को ट्यूशन दिलवाना एक फैशन सा बन गया है। किसी भी महानगर में देखें या किसी छोटे से छोटे शहर में, ये एक आम बात है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों का होमवर्क पूरा नहीं करवा पाते, इसलिए उन्हें ट्यूशन या कोचिंग में भेजते हैं। आजकल लगभग 90% स्टूडेंट्स कोचिंग या किसी ट्यूशन में जाकर पढ़ाई करते हैं। यही कारण है कि आज हमारे शहर में लगभग भारी तादाद में कोचिंग या ट्यूशन सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं कुछ यंगस्टर्स, तो आइए जानते हैं कि इनके लिए कोचिंग इनकी ज़रूरत है या इनकी मजबूरी। आप बताइए, आपके लिए कोचिंग आपकी ज़रूरत है या आपकी मजबूरी? कोचिंग हमारे लिए ज़रूरत है। जब कोई कंपटीशन की तैयारी करना होता है तो हमें कोचिंग बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि बिना कोचिंग के हम कोई कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते हैं। राइट। और आजकल तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इतने टफ होते हैं कि परसेंट से आपके मार्क्स रुक जाते हैं। यस मैम, एक हमारा फ्रेंड था, उसके हमारे सीजीएल जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे उसके 90.7 मार्क्स आए थे, जिसमें रैंक बहुत ही हाई गई थी, 90.99 तक लिए गए थे, तो वो हमारा कुछ 1% से रह गया था फ्रेंड हमारा, तो काफ़ी रोया हुआ था, हमसे भी फ़ोन करके पूछा था अब क्या करें कैसे तरीके, तो उसने फिर से एग्ज़ाम क्रैक करने की सोचा है, हो सकता है उसका इस बार सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, 0.99% हाईएस्ट रैंक गई थी, लेकिन कुछ पॉइंट से उसका सिलेक्शन उसमें रुक गया, इसीलिए कोचिंग कुछ बच्चों के लिए वाकई इनकी ज़रूरत का काम करती है। आपके परफॉर्मेंस क्लास में ज़्यादा बेटर आते हैं या आपके कोचिंग में? हम लोग की कोचिंग में ज़्यादा बेटर होता है कि कोचिंग में हम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं सर से, मैम से, और कुछ भी हम लोग उनसे पता कर सकते हैं कि हमें इसमें किस चीज़ में हमें दिक्कत आ रही है। क्लास में क्या दिक्कत फेस हम लोग जो स्कूल में होते हैं, जो हम लोग सर से नहीं पूछ पाते वो हम लोग कोचिंग में ज़रूर पूछ सकते हैं। जो हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आता हम लोग कोचिंग में ज़रूर से पूछ। आपको ये लगता है कि क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रहती है, तो उसके बीच आपको थोड़ा हेजिटेशन फील होती है? यस मैम, हम लोग जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि हम लोग नहीं पूछ पाते सर से, और हम लोग जैसे हम लोग आई कॉन्टेक्ट होता है तो हम लोग सर से तुरंत पूछ लेते हैं कि हमें सर इसमें क्या दिक्कत हो रही है। तो यानी आपको स्कूल के अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग आपको कोचिंग सेंटर में ज़्यादा आपको फील होता है कि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। हम लोग कोचिंग में पूरा पूछ सकते हैं कि हम लोग जैसे कॉलेज स्कूल में कॉलेज में नहीं पूछ सकते, वो हम लोग कोचिंग सेंटर में हम लोग सर से पूछ सकते हैं पूरा। आप बताइए, आप कोचिंग में कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? मैम, 2 आवर्स। 2 आवर्स, तो आपको लगता है कि इन 2 आवर्स में आपका सफिशियंट रहता है आपका टाइम, कि इतने घंटे आपने पढ़ लिया तो बहुत है, या एक्स्ट्रा आपकी सेल्फ स्टडी भी रहती है? मैम, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम कोचिंग में सब कुछ समझ जाएँ, सेल्फ स्टडी में हम अच्छे से समझ सकते हैं, और उसके बाद अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम सर से पूछ सकते हैं दोबारा, किसे हमें ये नहीं आ रहा आप हमें समझा दीजिए। स्कूल में भी क्या आपको यही लगता है कि अगर आप स्कूल में भी टीचर से अपने क्वेश्चंस पूछे उसी टाइम? मैम, पूछ सकते हैं, लेकिन होता है ना हेजिटेशन, तो इस वजह से नहीं पूछ, हेजिटेशन की वजह से। तो आपने कोचिंग इसलिए ज्वाइन किया है कि आप जो चीज़ स्कूल में नहीं पूछ सकती है वो आप कोचिंग में पूछ ले, इससे आपकी हेजिटेशन भी दूर होगी। यस मैम। तो दोस्तों, कुछ लोगों के लिए स्कूल और कोचिंग में ये डिफरेंस है कि हेजिटेशन को दूर करने के लिए कुछ बच्चे कोचिंग में आते हैं, कि वो जो क्वेश्चंस स्कूल में नहीं पूछ सकते अपनी टीचर से, वो कोचिंग में अपने टीचर से पूछ करके अपनी हेजिटेशन, अपने अंदर का डर गायब करना चाहते हैं। आप बताइए, आपकी क्लास परफॉर्मेंस कितनी इम्प्रूव हुई, आपके मार्क्स कहाँ ज़्यादा अच्छे आते, आपके कोचिंग में या आपके स्कूल में? मैम, जो हमारी कोचिंग शुरू होती है तो उसका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाता है कि क्लास की अपेक्षा। अच्छा। तो जिससे हमें पॉजिटिव इंटर मिलता है, हमारे एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, जिससे हम अगर क्लास में जाते हैं तो हमारे टीचर आई कांटेक्ट बढ़िया हो जाता है और हमारे कॉन्फिडेंस हाई रहता है। ये आपकी पर्सनैलिटी पर भी काम करता जी है? जी, पर्सनैलिटी पर काम करता है और मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर हम पीछे बैठते हैं तो हम आगे आ जाते हैं, फ्रंट रूम में बैठते हैं और टीचर के सवालों को जल्दी जवाब देते तो हैं। तो आपको ये फील हुआ है कि पिछले परसेंट से कुछ ज़्यादा परसेंट इस टाइम आपके मार्क्स आए हैं कोचिंग ज्वाइन करने से? इम्प्रूव हो जाते हैं, मार्क्स भी इम्प्रूव होते हैं। तो आपके टेस्ट परफॉर्मेंस भी बेटर हो रहे होंगे पिछली बार से ज़्यादा, तो ये सब कोचिंग आने की वजह से ही हुआ है? आप सेल्फ स्टडी भी करते होंगे? सेल्फ स्टडी करते हैं कोचिंग के बाद। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कोचिंग आने से क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जैसे आपका हेजिटेशन दूर होता है, तो वो इसके अलावा कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बताइए? मैम, कोचिंग आने से पॉजिटिव इफेक्ट है हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम कोचिंग पढ़ने जाते हैं जिसमें हम भी बहुत वीक हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा वो स्ट्रांग हो जाता है, और अगर वो सिलेबस कोचिंग पहले से पढ़ाया जा चुका है तो स्कूल में वापस पढ़ाने पे उसे और अच्छे से क्लियर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। आप कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ते हैं कोचिंग में? कोचिंग में 2 मैथ्स और फिजिक्स। तो आपको क्या लगता है कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा मेहनत करनी है? मैम, दोनों।
दोनों पे दोनों। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको लगता है थोड़े वीक है, और अगर हम कोचिंग आ जाए, कोचिंग ज्वाइन कर ले, तो आपके दोनों सब्जेक्ट्स क्लास के परफॉर्मेंस के बेटर और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी बेटर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हेजिटेशन क्यों होती है इतनी ज़्यादा, या क्या आपको ऐसा क्लास में फील होता है कि हमें ये पूछने से टीचर से रोकता है? मैम क्या होता है कि हमारे क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो हमारा कभी कभी हम जब सर से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा मजाक बनाते हैं इसी के डर की वजह से। और कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि अगर ये सवाल हमने पूछा हाँ, तो बाकी क्लास के स्टूडेंट्स हंसे ना या बाकी की क्लास हंसे ना, इसी वजह से हेजिटेशन होता है। और हमारा आई कॉन्टेक्ट सर से नहीं बन पाता है, और यही सब मतलब कारण होते हैं। तो आपको थोड़ा क्लास में एक अलग सा फील होता है कि बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे, तो ये हेजिटेशन का एक रीज़न है आपके। तो दोस्तों अब तक के डिस्कशन में हमने ये पाया कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग उनकी हेजिटेशन को दूर करने का एक कारण है। वो अपने स्कूल में उतनी बात क्लियर टीचर से नहीं कर पाते जितना अच्छे से कोचिंग में कर पाते हैं। तो क्या ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो उन्हें फोर्स कर रहा है कोचिंग में जाने के लिए? आइए जानते हैं। आप बताइए कि आपको हेजिटेशन के अलावा और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिखते हैं कि कोचिंग में आना बच्चों के लिए मजबूरी बन रहा है? एक्चुअली मुझको ये दिखता है कि जैसे स्कूल होता है वो 6 आवर्स 8 आवर्स तक कंटिन्यू रन करता है, तो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर तो हम लोग ईजिली जो है अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आफ्टर लंच जो लेक्चर्स होते हैं उसके बाद अपने आप हम लोग को बोरियत होने लगती है। अब अगर आफ्टर लंच फिजिक्स का लेक्चर चलेगा तो ये ऑब्वियस है कि हम लोग को बोरियत उसमें फील होगी, आप उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लंच के बाद फिर आप बच्चे ही हैं, हम लोग भी कितना देर बैठेंगे कॉन्टिन्यू एक जगह पर बैठे बैठे बोरियत फील होती है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग घर जाते हैं थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फ्रेश होने के बाद फिर एकदम फ्रेश माइंड से रिलैक्स माइंड से जब जाएंगे हम लोग कोचिंग में लेक्चर अटेंड करने, तो उसके बाद वो चीज़ जो हम लोग स्कूल में अच्छे से नहीं समझ पाए वो हम लोग को अच्छे से इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो चीज़ अच्छे समझ में आई हमको। तो यानी आपको वो टॉपिक कोचिंग में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि स्कूल में हम लोग कंटिन्यू अगर बैठ रहे हैं 6 आवर्स एक ही सीट पे बैठ रहे हैं तो ऑब्वियस है ह्यूमन ही है हम लोग, अचानक हम लोग को बोरियत फील होगी। आपको क्या लग रहा है कि कोचिंग मजबूरी बनती जा रही है जरूरी, क्योंकि हेजिटेशन के अलावा नेगेटिव इम्पैक्ट्स के अलावा कोचिंग में बच्चे किस लिए आ रहे हैं? मैम कोचिंग हमारे लिए मजबूरी हो जा रही है क्योंकि जब हम कॉलेज जाते हैं टीचर्स आते हैं पढ़ा कर चले जाते हैं, उनसे ये नहीं मतलब ज़्यादातर टीचर यही करते हैं, उसे मतलब नहीं रहता कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, तो इसलिए कोचिंग में हम अपनी वो प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं वहाँ डायरेक्ट बात। तो आपको ये लगता है कि कोचिंग में टीचर एक एक बच्चे पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करके ध्यान दे रहा है या उनसे क्वेश्चन कर रहा है तो वो बच्चा अच्छे से आंसर कर पा रहा है या नहीं? यस मैम कोचिंग में क्या है कि उन्हें मतलब कि अपना मतलब अगर उनका रिजल्ट खराब रहेगा तो उनके एडमिशन पर भी मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, एडमिशन पे भी। यस मैम तो इसलिए वो अपना रिजल्ट अच्छा रखने के लिए ज़्यादातर बच्चों को बाकी आगे अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाना चाहे तो वहाँ भी उसके या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे तो वहाँ पे भी उसको मतलब उसके परसेंटेज अगर डाउन होंगे तो वो उसका रिजल्ट खराब वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आइए बढ़ते अब हमारे अगले सेगमेंट कानून कहता है की ओर। साइबर लॉ बेसिकली होता क्या है? साइबर लॉ का मतलब ये है कि कंप्यूटर को एज अ टूल यूज़ करना या कंप्यूटर को टारगेट करना या दोनों, ये साइबर लॉ है। हमारे प्रधानमंत्री का है कि भाई डिजिटल इंडिया बनाना है, तो उसमें कई कई स्टेप्स ऐसे लिए गए कि इन सारी चीज़ों को जो है ऑनलाइन और तुरंत करने वाली चीज़ें लाई गई। उसमें से एक आया डिजिटल सिग्नेचर। पार्टीज़ जो होती हैं हो सकता है कहीं दूर रहते हो, एक साथ मिल ना सकते हो, तो बाय वे ऑफ डिजिटल सिग्नेचर वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ किसी अनऑथराइज्ड आदमी के पास चला जाए तो वो भी सेक्शन 67-68 के अंडर में उसका प्राविधान दिया गया है कि उसको कैसे उस चीज़ को रोका जा सके। वैसे तो हर स्टेट में अब ये है कि और हर डिस्ट्रिक्ट में है कि एक साइबर सेल मस्ट है,
और अगर मान लीजिए साइबर सेल, तो अगर साइबर सेल है तो आप अपनी कंप्लेन, अब कंप्लेन कैसे जाएगी, तो जो भी डिफेमेटरी या कोई भी इंफ्रिंजिंग चीज़ें हो जो आपके वेबसाइट पे आई हो, आप उसका फिजिकल फॉर्म भी और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप लेके साइबर सेल में जाएंगे और पूरी कंप्लेन में आप लिखेंगे कि कब, कैसे, किसने, कहाँ, किस वक्त, ये डिटेल, ये पांच चीज़ें आपको अपनी कंप्लेन में लिखना मस्ट है। और उसमें फिर उसके बाद आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी और अपनी डिटेल के साथ ये बताना पड़ेगा कि अगर आप उस पर्टिकुलर वेब पेज के ऑथराइज यूज़र हैं तो आप कैसे ऑथराइज यूज़र हैं, आपको वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई आपका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई देखिए इसने हमारे वेब को इन्फ्रिंज किया, हमारी प्राइवेसी ब्रीच की और इसकी वजह से हमारा ये नुकसान हुआ है या हमारा ये डिफेमेशन हुआ है या हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे वेब पेज पे आई वो किसी और को इस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। तो ये आप अपने अपनी बात पूरी एक कंप्लेन के फॉर्म में साइबर सेल, जो कि पुलिस का एक सेल होता है, एक स्पेशलाइज सेल होता है, उसमें स्पेशल लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हैं, आप वहाँ पर जाएंगे, उनको आप वो देंगे, वो रजिस्टर आपकी कंप्लेन करेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर साइबर सेल शायद नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जहाँ भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो होगा, जो आपके घर से सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा, आप उस पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे। इसको कभी कभी ये भी हो सकता है कि उस पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में वो वाक्या हुआ ही ना हो, वो वाक्या कहीं और का हो, लेकिन आप जो है इन्फॉर्मेशन उस पुलिस स्टेशन में भी दे सकते हैं और इस FIR को बोलते हैं ज़ीरो FIR, अगर पुलिस उस चीज़ को रजिस्टर करती है। मान लीजिए पुलिस रजिस्टर नहीं करती तो उसके दूसरे तरीके हैं, आप उनके या तो आला अफसर से मिल सकते हैं और उनको आप पूरी अपनी बात बता सकते हैं, नहीं तो 156(3) CRPC की धारा है, उसके अंडर आप जो है मैजिस्ट्रेट के यहाँ एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और कंप्लेन में आप पूरी अपसे पब्लिश हुआ या आपका कोई किसी और वेबसाइट ने उसको यूज़ किया, वो सारी चीज़ें आप उसमें देंगे। इसी तरीके से सेक्शन 191 के अंदर कंप्लेन ट्रीट की जाती है, उसमें आपका 200 और 202 के बयान होते हैं और बयान के बाद कोर्ट चाहे तो उसमें और फिर तलबी के ऑर्डर इशू होते हैं और इस तरीके से फिर CRPC की प्रोसीजर जो है वो सारा चलता है। आइए देखते हैं अब हमारा अगला सेगमेंट उम्मीद की किरण। इन्वेशन एक रूप से ये कहा जाए कि आवश्यकता है, जो समाज में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उस पर अगर समाज को कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर, चीज़ें ऐसी हैं, अभी आज देखिए ये रेनी सीज़न है, बरसात तो नहीं हो रही लेकिन बरसात जिस दिन होती है हमारे बच्चे जो हैं छोटे से बड़े इवन आप को एक ऐसी अंदर से भावना होती है कि क्या उस पानी में थोड़ा भीग लें, वो ये दिखता है कि उछल क्यों रहा है, पानी उछल क्यों रहा, अब वो जिज्ञासा उसके अंदर है, वो जिज्ञासा शांत करने के लिए उसको ये लगता है कि अगर पानी मार रहे हैं तो किधर जा रहा, कहाँ जा रहा, कभी ये शरारत बस बच्चे निकलते होंगे तो उसके ऊपर भी मार देगा उसे, चल ये एक खेल खेल में उसकी एक आई कि पैर से अगर पानी पर दबाव डालेंगे तो पानी आगे कहीं ना कहीं किसी को छेता मारेगा, तो ऐसा ये उत्सुकता ये जागृत करना ये बच्चों में बहुत ज़रूरी है। जो भी जिज्ञासा है उसको शांत तभी होना चाहिए जब तक कि उसके गहराई तक न पहुँचे, और उसके गहराई के पहुँचने के लिए एक सोच उनकी होनी चाहिए प्राकृतिक चीज़ों से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी एक बचपन में मैंने एक सपना देखा था, मैं इसको उस ट्रैक पर लाऊंगा कि अन्वेषण कैसे होता है, बिना एक उदाहरण के शायद बच्चों के लिए या समाज के लिए बहुत उपयोगी नहीं होगा मेरा यहाँ पर बातचीत। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा ये पेड़ जो हैं इसके आकार क्यों राउंड हैं, अंगुलियाँ क्यों राउंड हैं, हमारे सिर पर स्कल क्यों राउंड है, ये मैंने से एक सोच रखी तो मुझे ये जिज्ञासा की शांति जब इंजीनियरिंग करने लगा तब पता लगा कि हर में अगर रेडियस ऑफ गहराई लोड लेने की शक्ति राउंड में चारों तरफ बराबर होती, सिर पर कोई बोझ डाल दीजिए नहीं टूटेगा, सिर पर आप वजन ले सकते हैं, नेचर ने दे रखा, प्रकृति ने दे रखा, प्रकृति आपकी एक बहुत बड़ी सहभागी है जिसमें इन्वेंशन छिपा हुआ। हमने ये सोच रखी कि अगर हमारे वैज्ञानिक
विश्व के कुछ तैयार किए हुए हैं। आज बच्चों को प्रेरणा ये होनी चाहिए, हर बच्चे में वो गुण है, वो तत्व है, अगर उसको जागृत कर दीजिए, उसके बड़े बड़े ऊंचाइयों पर उसको सोच उसके बढ़ा दीजिए, उसके सपने बड़े होने लगें कि मैं भी कुछ बनूंगा, मैं भी कुछ करूंगा किसी भी क्षेत्र में, और उसके लिए वो तथ्य ढूंढना शुरू कर देगा, तो वो उसमें सफल होने में कोई कामयाबी हासिल करने में जाना भी वो नहीं है। जिज्ञासा बचपन से थी। मैं बच्चों और आज के भविष्य के जो कर्णधार हैं युवाओं को कहना चाहूँगा, जो जिसके कंधे पर ये आगे आने वाली देश है, उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी चैतन्यता को, अपने विचारों को, अपने जज्बा को हमेशा बनाए रखें और वो सफल होंगे। सोच ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं, सोच यह है कि हम क्या इस समाज के लिए कर सकते हैं, सोच ये नहीं है कि हम नौकरी पा लेंगे, हम कितना कमा सकते हैं, वो चीज़ आपके पीछे लगी रहेगी। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी तनख्वाह ये हो जाएगी, मेरा मुझे इतना फाइनेंशियल मिल जाएगा, पैकेज मिल जाएगा, मुझे ये पोजीशन फाइनेंशियल पैकेज, सारी चीज़ आपको ऑटोमेटिक पीछे मिलती जाती है अगर आपकी सोच सार्थक है और अच्छे अच्छे आयाम आप हासिल करते जाएंगे और समाज के लिए जुड़ते जाएंगे, समाज में नए नए विकास के गति को बढ़ाने के लिए नए नए चीज़ों की खोज करते जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें देना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फूल सी कोमल, ओस सी नाजुक, किलकारी है वो अंगना की, खुशबू है वो बगिया की,